पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है। उनकी किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण अब बवाल मच गया है। किताब में उन्होंने हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के सिलसिले में आज तक से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अयोध्या फैसले को लेकर कई पहलुओं पर अपने विचार भी रखे। आज तक से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद बोले कि जो होना था वो हो गया। ये जजमेंट एक मौका दे रहा है कि हम लोगों के बीच आपस की दरार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। असल मायने में जजमेंट की ये कोशिश है। सलमान खुर्शीद की किताब में एक चैप्टर द सैफ्रन स्काई को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। वहीं खुर्शीद ने किताब में आगे लिखा कि हिंदू धर्म को किनारे लगाता ये हिंदुत्व का राजनीतिक रूप आईएसआईएस और बोको हरम जैसी जिहादी संगठन जैसा ही है। ऐसे में इस पर काफी बवाल भी मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में आदान प्रदान की स्थिति बनी रहती है। वहीं उन्होंने अपनी किताब के एक चैप्टर द सैफ्रन स्काई को लेकर होने वाले विवाद पर कहा कि जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो इस पर प्रतिक्रिया देगा और जो जानता है वो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। ऐसे में जो हिंदू धर्म को इस्लाम को नहीं जानता है उससे बहस भी क्या करना। रामराज्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक व्यापक विचार है। इस चैप्टर में हिंदू धर्म को लेकर बात की गई है। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि जैसे राम राज्य है वैसे ही यदि आप इस्लाम में देखें तो उसमें निजामे मुस्तफा की बात है, जो कि ठीक वैसी ही है। एक ही सोच है, एक ही रास्ता है। हम सिर्फ शब्दावली में ना घिर जाएं, इसके लिए हम सच तक पहुंच सके ये किताब इतनी मदद करे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के लॉन्च पर कहा, 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो बहुत गलत था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे संविधान को बदनाम किया। दो समुदायों के बीच एक अटूट खाई तैयार हो गई। ये गलत था। मैं 100 बार कहूंगा कि ये बेहद गलत था। लगभग 300 लोग आरोपी थे, बरी हो गए। तो जैसे किसी ने जेसिका को नहीं मारा, ऐसे ही किसी ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया।